चार महीने पहले ज्वाइन किया था। वेस्टीज को सेकेंड टाइम मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था 2009 के आठ के आसपास में, और उस वक्त हमारे एक मित्र होते थे मुंबई में जो आज अभी ब्रांड एम्बेसडर वेस्टीज के, हम दोनों ने साथ में शुरू किया था। जब समझ में नहीं आई थी बिज़नेस, जैसे आज आप बहुत सब लोगों को समझ में नहीं आती, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, मैंने भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने छोटा मोटा काम किया, बहुत सारे काम किया, काम करने के बाद मैंने वेस्टीज में फिर से आने का डिसीजन लिया। उस वक्त काफ़ी तकलीफ थी, गरीबी थी, जैसे मोहिन जी के थे जैसे अनुसार। तो एक रोज़ क्या हुआ, अचानक से मैंने 2 बजे रात में मैंने फ़ोन लगाया था, वो अगस्त का महीना था, अगस्त के महीने में 2 बजे रात को मैंने फ़ोन लगाया था इस कंपनी के जन्मदाता मिस्टर गौतम बाली जी को, मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियां। गौतम बाली जी को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर मुझे नींद नहीं आ रही है गरीबी की वजह से, तो उन्होंने बोला जी ठीक है मैं इंडिया जब आऊँगा तो मैं आपसे बात करूँगा। फिर वो इंडिया आए, मुझे फ़ोन किए और बोले चाहते क्या हो, तो ये सवाल मैं कई लोगों से पूछता हूँ, चाहते क्या हो, बोले जी अमीर बनना है तो फिर से शुरू कर दो, वो मुझे शुरू से ही जानते थे, बोले फिर से शुरू कर दो अपने पुराने मित्र के साथ। बोले भाई वहाँ तो नहीं करना है, मुझे सबसे बेहतर अपलाइन चाहिए जिनके साथ मैं काम कर सकूँ। तब उन्होंने चूज करके चेक करके मुझे सबसे बेहतर कोहिनूर जैसा अपलाइन दिया, जिनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। मैं चाहूँगा जोरदार जैसे उन्होंने मुझे नंबर सेंड किए, विद इन 2-4 मिनट के अंदर ही सिद्धार्थ सर का फ़ोन आया कि जी मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, मैं इंडिया मैं हूँ और मैं दिल्ली से धनबाद आ रहा हूँ आपसे मिलने। बोला वेलकम सर, आए 3 दिन हम लोग बैठे, 3 दिन बैठ के एक साथ प्लान किए, प्लान करने के बाद डिसीजन हुआ कि मुझे वेस्टीज में सफल होना है और जितना कुछ आप मुझे सिखाओगे मैं वो सीखूंगा और फॉलो करूंगा, चाहे वो मुश्किल हो आसान हो मैं सबको फॉलो करूंगा। और डिसीजन हो गया कि मुझे वेस्टीज में 10 से 15 साल तक ज़बरदस्त मेहनत करना है, काम करना है, पूरे टीम के साथ आगे बढ़ना है। और वेस्टीज बिजनेस के अंदर मुझे पहला डिसीजन था 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमाना, और 1 करोड़ रुपया इसलिए मैं कमाना चाहता हूँ पर मंथ क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया तो पहले महीने का चेक 1200 रुपये का था, फिर 1500 रुपये का था, फिर बढ़ते बढ़ते अभी लास्ट चेक था 1,60,000 रुपये का। उसके बाद अगर टोटल इनकम की बात करें तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अभी इनकम है, 1.5 लाख से ऊपर टोटल इनकम तकरीबन 36 लाख के आसपास मैं अभी तक ले चुका हूँ वेस्टीज से। गाड़ी की बात करूं तो पहले मैं वेगनार चलाया वेस्टीज से, दूसरी गाड़ी अभी मैंने बाहर जो खड़ी है लगभग 11 लाख रुपए की गाड़ी एस क्रॉस में अभी चला रहा हूं, और तीसरी प्लानिंग ये है कि वेस्टीज से इसी रिसोर्ट के पीछे एक बड़ा खूबसूरत सा बंगलो है 45 लाख रुपए का, जो मैं अगस्त में सिद्धार्थ सर के हाथ से फाइनल करवा रहा हूँ। उससे ज़बरदस्त खुशखबरी ये है कि अभी तक का हिस्ट्री में झारखंड में किसी ने भी वेस्टीज के अलावा किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री से कोई लग्जरी कार नहीं लिया। और अगस्त में 19 तारीख को सिद्धार्थ सर के हाथ से मैं ऑडी Q3 का बुकिंग भी करवा रहा हूँ। तो ये सारे सक्सेस, ये सक्सेस के पीछे का जो चीज़ है वो जस्ट लाइक इस फूल के जैसा है, जैसे आप ये फूल देख रहे हैं, लेकिन ये फूल आया कहाँ से, फूल की पेड़ से। पेड़ किस पे टिका हुआ है, जड़ पे, जड़ यानी कि नॉलेज। अगर ये सक्सेस को आप देख रहे हैं तो इसके जड़ को देखिए, उसके नॉलेज को देखिए। मैंने आज तक वो दिन नहीं भूला जब बचपन में लोग स्कूल जाते थे, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे दोस्त लोग टाई लगा के, 3500 रुपये फीस होती थी आइडियल स्कूल ऑफ एजुकेशन, और मैं जाता था सरकारी स्कूल में हवाई चप्पल के साथ ज़मीन पे बैठता था, और वो जाते थे टाई लगा के गाड़ी से, यस या नो। उस वक्त हमें एक ही चीज़ बताया गया कि भाई कुछ तो पढ़ ले ताकि 2-4 हज़ार की नौकरी कर लेगा, ये बड़े लोग हैं, ये ज़्यादा महंगा स्कूल में पढ़ते, ज़्यादा बड़ा इंजीनियर बनेंगे। तो बड़ा चिंता होता था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन सच में इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको सफल होने के लिए। लेकिन फिर मैं नोटिस करता था कि जिस टीचर से मैं पढ़ता था वो भी गरीब था, साइकिल से वो आते थे, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एजुकेशन ज़रूरी है मगर सक्सेस की एजुकेशन ज़रूरी है, हिस्ट्री रचने की ज़रूरी है, हिस्ट्री रटने की ज़रूरी नहीं है। आज
सफल होने के लिए जब मैंने कोशिश किया, करते 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 जैसे मैंने सोचना शुरू किया, रात 2 बजे मैंने फ़ोन लगाया और सक्सेस के लिए मुझे सीखने के लिए जो इस दुनिया का सबसे अच्छा गुरु मैं मानता हूँ मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, वो मुझे मिले और आज मैं उनसे सीखता हूँ। यस या नो? यस। मैं क्या ले रहा हूँ उनसे? एजुकेशन। एजुकेशन किस चीज़ के लिए? सक्सेस के लिए। स्कूल हम बच्चों को किस लिए भेजते हैं? सक्सेस होने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। हाँ या ना? yes. तो मैंने स्कूल का शिक्षा कंप्लीट किया था, 8वीं पास हिंदी मीडियम से, मुझे कोई मलाल नहीं है उस चीज का। लेकिन आज वेस्टीज का एजुकेशन और अपने गुरु का एजुकेशन से ये लड़का 1,60,000 रुपए कमा सकता है और इसी साल में हम 3 से 4 लाख रुपए को पार भी कर जाएंगे। तो ये रियल एजुकेशन है या वो रियल एजुकेशन है? यानी कि हम सबको सीखना जरूरी है, एजुकेशन लेना जरूरी है, लेकिन उस इंसान से लेना जरूरी है जो ऑलरेडी सक्सेस है। सक्सेस होना सिखाएगा। अगर सिर्फ हम रटने के लिए सीखेंगे तो वो हमें वही सिखाएगा जो वो भी बचपन से रटता है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है मेरे भाई। आप लगातार मीटिंग में आइए, लगातार नॉलेज लीजिए, लगातार वीडियो को फॉलो कीजिए। खास करके हमारे जो सिद्धार्थ सर हैं उनका एक एक वीडियो को आप फॉलो कीजिए, आपको हर कदम पे वो साथ देंगे। दूसरी चीज, आज अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो ये जो लग्जरियस देख रहे हैं, मेरा नेक्स्ट गोल है कि 2018 के अंदर अपने टीम से 20 कार अचीवर कंप्लीट में करा दूंगा दिसंबर से पहले। जैसे बाबुल सर गाड़ी लेके घूम रहे हैं और कई लोगों ने गाड़ी लिए हैं और अभी अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने कार बुक भी करा चुके हैं, 3 लोगों ने कार बुक भी करा दी जिन्होंने स्टार लेवल कंप्लीट कर चुका है। लेकिन इसी साल में 20 गाड़ी यहीं पर रिकॉग्नाइज होगी, ये मेरा वादा है। आगे की बात करें तो धनबाद जब मैंने आया था पहली बार आज से 4 साल पहले तो 360 रुपये लेकर आए थे। कितने? 360 रुपये लेकर आए थे। और मैंने बिजनेस जब शुरू किया था तो आज वो सारी चीज़ें हैं डिसीजन लेने के वजह से। अगर आप कहीं से भी आए हो, गरीबी से आए हो, अमीरी से आए हो, कोई लेना देना नहीं है सर। सिर्फ आप डिसीजन ले लो कि आपको जाना कहाँ है, आप वहीं पहुँचोगे जहाँ का आपका डिसीजन होगा। डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ का। अगर डिसीजन नेगेटिव लेते हैं तो आप उस जगह पे सफल हो जाओगे पूरा का पूरा गरीब। अगर डिसीजन पॉजिटिव लेते हैं तो आप वहाँ सफल हो जाएंगे पूरे का पूरा अमीर। तो ये सारा का सारा डिसीजन का खेल है, सोच का खेल है। और हम सब खुशकिस्मत हैं, बहुत लकी है कि हमारे अपलाइन इंडिया का सबसे बेहतर लीडर है। यस या नो? तो उनकी बातों को फॉलो करना है, उनके सिस्टम को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। और आज ही सुबह सुबह उनका डिसीजन ये आया है कि हम लोग 16 जून को फिर से यहीं पे सक्सेस सेमिनार कर रहे हैं। और आज ही डिसीजन आने की वजह से आज टिकट नहीं छपी है, लेकिन टिकट कल तक आ जाएगी। आज अर्ली बर्ड का टिकट आप लोग यहाँ पे डायरी लेके एक बंदा बैठेंगे, उनसे अपना टिकट आज ही बुकिंग करा के अर्ली बर्ड में टिकट को आप बुक करा सकते हैं। अर्ली बर्ड की टिकट कितने का मिलेगा? 150। आज नहीं बुकिंग कराओगे तो कल कितने का मिलेगा? 200। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट है और ये बात के लिए सेकंड चांस है, बहुत बढ़िया चीज सीखने के लिए जो लाइफ को चेंज कर देती, जिसका नाम है SBC। इसका भी बुकिंग आज से ही आप लोग चालू कर सकते हैं। इसी रिसोर्ट में ये मीटिंग होगी जिसका नाम है सक्सेस बाय चॉइस। वो होगा 18, 19 और 20 अगस्त। लगातार 3 दिन का ये वर्कशॉप है और इसे कौन करते हैं? सिद्धार्थ सर। हम लोगों के गुरु महागुरु सिद्धार्थ सर। और वो ट्रेनिंग इस बार जो होगी SBC जो इस बार होगी वो लाइफ चेंजिंग SBC होगी, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने SBC किया था वो 2 दिन का था, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई थी। लेकिन इस बार जो होगी वो 3 दिन की होगी। और नेक्स्ट SBC में आज भी बता देता हूँ, अगस्त के बाद फिर 5, 6 और 7 जनवरी को यहीं पे होगी। बिल्कुल सर। जो चीज़ उन्होंने मुझे बताए हैं सतपाल सर के साथ जब थे, जब मेरी बातें हुई,
उन्होंने कहा है कि इसी धनबाद से अगर आप लोगों ने सिस्टम को सही से फॉलो किया तो 100-100 मर्सिडीज अचीवर इसी धनबाद से निकलेगा। ये उन्होंने देखा है झारखंड का पोटेंशियल, और झारखंड में अभी तक वेस्टीज हुआ ही नहीं है। सही बात है, पूरे झारखंड में एक भी मर्सिडीज अचीवर या ऑडी अचीवर अभी तक नहीं है वेस्टीज में। और इंडिया में बहुत साल वेस्टीज चलने के बाद वेस्टीज में सिर्फ हर्ष आए थे, जबकि आज 65% टर्नओवर किनका है? सिद्धार्थ सर का। झारखंड में भी वेस्टीज बहुत साल चलने के बाद हमने शुरू किया था, और मैं वादा करता हूँ 100-100 लग्जरी कार अचीवर इसी धनबाद से होगा। एजुकेशन की जहाँ तक मेरी बात है, मोटिवेशन ठीक है, आपको भागने के लिए दौड़ने के लिए बढ़िया चीज़ है, मगर आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिद्धार्थ सर का जो SBC है उसे आप अटेंड कीजिएगा, और उसका जो टिकट क्या बुकिंग तरीका है वो सारे मैसेज में आ जाएंगे आज शाम तक, और नेक्स्ट सेमिनार का भी आ जाएगा। ओके, एजुकेशन की जो बात अभी हम कर रहे थे, तो मैंने 8वीं पास किया था, लेकिन एजुकेशन मैंने कौन सा लिया? सिद्धार्थ सर का, सिस्टम का। इसलिए आज 1,60,000 पे हूँ, आप भी लेंगे, आप भी होंगे। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मोइन सर कितने पढ़े लिखे हैं? 0/0। उसके बावजूद 4 रुपये कमा सकते हैं, मर्सिडीज ले सकते हैं। मायने ये नहीं रखता है कि आप कौन सी सब्जेक्ट में पास हुए स्कूल में, मायने ये रखता है कि जिंदगी का सही सब्जेक्ट आपने चुना वेस्टीज में। यस या नो? तो मैं चाहूँगा कि आज के तो हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर रोहिन जी, मैं उनके लिए जोरदार तालियां चाहूँगा आप सबसे। आप सब भी सफल हो सकते हैं, इनसे भी आगे जा सकते हैं, इनको फॉलो कीजिए, इनके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कीजिए। विश यू वेल। तो मैं चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी हैंड ओवर करूँ अपने होस्ट। थैंक यू सॉरी सर, थैंक यू। एक जोरदार सम्मान के साथ सॉरी सर के लिए कीप ऑन क्लैपिंग, कीप ऑन क्लैपिंग। Keep on clapping, keep on clapping, keep on clapping.